केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से कई लोगों की जान चली गई। इस बीमारी से बचने के लिए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कोझिकोड के कलेक्टर ने 31 मई तक सभी पब्लिक मीटिंग पर बैन लगा दिया। प्रशासन ने इस हफ्ते होने वाली सभी परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। फ्रूट बैट या सुअर जैसे जानवरों से फैलता है। संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क या उनके द्वारा सेवन किए फल आदि से निपा वायरस का संक्रमण फैलता है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, जिस कारण केरल के कोझिकोड में एक ही परिवार के 4 सदस्य और उनके इलाज करने वाली एक नर्स लीनी की भी मौत हो गई। उनके घर के कुएं में रूट बैट मिला। अब कुआं बंद कर दिया गया है। इस वायरस से सांस लेने से जुड़ी गंभीर बीमारी या फिर जानलेवा इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना। सेंटर फॉर डिजीजेस एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपा वायरस का इन्फेक्शन इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा है, जिसमें दिमाग को नुकसान होता है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद ये वायरस 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिर दर्द की वजह बन सकता है। ये वायरस 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा में पहुँचा सकता है। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने में समस्या होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपा वायरस तेजी से उभरता वायरस है, जो जानवरों और इंसानों में गंभीर बीमारी को जन्म देता है। ये वायरस सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कंपंग सुंगाई नेपाल में मिला। वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला। उस वक्त इस बीमारी के संक्रमण का कारण सुअर था। 2001 में भारत की सिलीगुड़ी में पहली बार निपा वायरस का संक्रमण पाया गया। 2001 में ही पश्चिम बंगाल की नदियां में निपा वायरस संक्रमण की चपेट में लोग आए। 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इसकी चपेट में आए। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल को चखा था और इस तरल तक वायरस चमगादड़ के कारण आया था, जिन्हें फ्रूट बैट कहा जाता है। लक्षण: तेज बुखार और सिरदर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, दिमाग में सूजन होने लगती है, सांस लेने में समस्या होती है और मानसिक भ्रम का शिकार। बचाव: इस संक्रमण से बचने के लिए खजूर, उसके पेड़ से निकले रस और पेड़ से गिरे फल ना खाएं। बीमार जानवरों से दूरी बनाएं। उस व्यक्ति के नजदीक ना जाएं जो इस वायरस से पीड़ित हो। वायरस की वजह से जिसकी जान गई, उनके शव से भी दूर रहें। तेज बुखार आते ही अस्पताल जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों को इस जानलेवा वायरस के बारे में बताएं, जिससे कि वो इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। जय हिंद।